क्या हाल है साथियों। आशा करता हूँ कि सभी शानदार जबरदस्त होंगे। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से एक लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर के थ्रू किस विभाग में कितनी सीटें खाली है, कितनी वेकेंट है, ये आपको सीट दिया बताया गया है। और जिसमें जो है 472,976 कुल पद खाली हैं, इसके बारे में बताया गया है। कुल 45 के आसपास जो है डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कितनी सीटें खाली हैं, कितने लोग रिक्रूट हैं, कितने का प्रोसेस चल रहा है, इन सब के बारे में बात किया गया है। तो भाई साहब, कहीं ना कहीं ये समझ लो कि बिहार में जितनी सीटें अभी तक खाली है, लगभग मोटा मोटी हर विभाग के बारे में बता दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा ये समझ लो कि रिकॉर्ड है और बड़ा एनालिसिस है। हर विभाग ने बकायदा अपना एनालिसिस करके और अपना रिपोर्ट ये दिया है, तो काफ़ी एक अच्छी बात है। प्रेजेंट में ये सारी वैकेंसी या तो चल रही है या फ्यूचर में आएगी, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि प्रेषक का नाम दिया गया है रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, ठीक है। और सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और बिहार पटना, ये आप लोग समझ सकते हो। और बी से देखिए, राज्याधीन सेवाओं संवर्गों में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये पीडीएफ आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कॉपी के पंडित सर्च मार के भी आप आ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, विभागवार स्वीकृत पद और कार्यरत पद और रिक्त पद, इसके बारे में जो है बेकायदा डाटा यहाँ पे दिया गया है। कुल 45 जो है विभाग है। अब जैसे कि हम यहाँ पे समझने चले, फर्स्ट नंबर वन पॉइंट है। अब नंबर वन पॉइंट आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग है, इसमें जो है स्वीकृत बल कुल है 83,835,504, ठीक है। और कार्य कर रहे हैं 617,913 लोग। और रिक्त पदों की बात करें तो अभी भी 217,591 रिक्त पद खाली हैं। और यहाँ पे देखिए अभियुक्त, यहाँ पे आपको कंडीशन बताया जा रहा है कि अभी इस पर क्या चल रहा है। तो अनौपचारिकता प्राप्त सूचना है, मतलब कि अभी जो है आपको ये सूचना अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया गया है, ठीक। फिर आगे जैसे आप पढ़िएगा, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उसके बाद से कृषि विभाग। जैसे कृषि विभाग 7 नंबर एक पॉइंट दिया है, जिसको आप देखिएगा यहाँ पे, कृषि विभाग स्वीकृत बल है आपको 5,313 और कार्यरत आदमी जो है इसमें 2,298 हैं। और इसमें जो है आपको रिक्त संख्या जो है 3,015 है, मतलब अभी भी रिक्त संख्या है, जो ऑनलाइन प्रतिवेदित हो गया है, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन इस पर किया जा चुका है। तो पूर्णतः जो है आपको अपडेट दिया गया है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा तो और ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। और सारे विभाग के बारे में लगभग दिया गया है, निर्वाचन विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण, वित्त, खाद्य, उद्योग, सारे विभाग के बारे में जो है आपकी बातें की गई है। कितने लोग जो है रिक्रूट हैं, कितनी ज़रूरत है, सब कुछ के बारे में जो है बातें बताई गई है। तो इसमें देखिएगा, जैसे कि अगर मैं बड़ा बड़ा विभाग के बारे में बताऊं तो खेल विभाग हो गया, जल संसाधन विभाग हो गया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो गया, लेकिन कहीं हमको पुलिस विभाग के बारे में तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पुलिस विभाग में कितनी जो है लोग रिक्रूट है, कितनी खाली है। अभी तो कम नहीं देख पाए, यदि आपको दिखे तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक। तो ये जो पीडीएफ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये मतलब समझ लीजिए कि फ्यूचर में जो है कुछ वैकेंसी तो रनिंग में चल रही है और कुछ वैकेंसी जो कि खाली है फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी मतलब समझ लो कि ये अपडेट है। और जैसे अदर स्टेट क्या है, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, तो हर राज्य जो है ब्यौरा मांग रहा है। जब से ये इलेक्शन ख़त्म हुआ है ना, तो हर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव से ब्यौरा मांग रहा है कि भैया अपने डिपार्टमेंट का जो है बेकायदा ब्यौरा दीजिए कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कितने खाली सीट है, कितने पर रिक्रूटमेंट चल रही है। लेकिन बिहार इसमें फिर छक्का मार दिया और सबसे आगे निकल गया, और पहले ही जो है लगभग 45 विभागों का जो है आंकड़ा दे दिया कि इतने लोग कार्यरत हैं, इतने खाली हैं, इतने पर हम लोग रिक्रूटमेंट कराने वाले हैं। तो यदि आप बिहार से हो तो भैया लग जाओ, देख लो कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, किस विभाग के आपके पास डिग्री है, तैयारी है, उस हिसाब से जो है आप काम करो। अब यहाँ पे देख सकते हो कुल 16,26,927 नौकरियाँ हैं, और इसमें से 11,53,951 लोग जो है कार्यरत हैं। और बात करें वेकेंट की तो 472,976 पद जो है आपका खाली है।
क्योंकि फ्यूचर में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी या ये वैकेंसी रनिंग में है। देख लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई जान सके और समझ सके कि हमारे लिए इसमें कौन यूजफुल चीज़ें हैं, कौन यूजफुल नौकरी है।